नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे डाटा प्रोसेसर ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट 001 के बारे में, सॉरी 002 के बारे में। इसमें क्या क्या फंक्शन रहते हैं और ये कैसे कैसे काम करता है। वैसे मिल्क कलेक्शन के काम में आता है स्लिप निकालने के। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि भाई कलेक्शन के लिए अपन को किस किस मशीन की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले मिल्क वाइब्रेटर आता है, उसके बाद में मिल्क एनालाइज़र, उसके बाद में जो प्लेटफॉर्म जो होता है उसे हमने थोड़ा छोटा रूप दे रखा है जो कि आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। ये है, ये मिल्क एनालाइज़र है, ये वाइब्रेटर है, ये डाटा प्रोसेसर है और ये कीबोर्ड है। तो हम सबसे पहले इसके जो फंक्शन है उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, और इसके स्विच के बारे में कि भाई कौन कौन सा स्विच है और क्या क्या काम आता है। तो सबसे पहले अपन इसको बंद करके चालू करते हैं एक बार, इस हिसाब से ये चालू होता है। डायरेक्ट जैसे अपन इसको स्टार्ट करेंगे तो इसमें मिल्क कलेक्शन ही ओपन होगा डायरेक्ट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें चार सेटिंग की हैं, F1, F2, F3, F4। तो अपन सबसे पहले F1 के बारे में जान लेते हैं। F1 के अंदर जो अपने मेंबर की टोटल जो भी है कि भाई कैसे अपन को इसको जनरेट करने, कितने मेंबर हैं अपने और इसको कैसे मॉडिफाई करना है, कस्टमर का काम नाम कहाँ लिखना है, तो ये क्रिएट डिलीट कोड है एक नंबर, दो नंबर पे ऐड मॉडिफाई नेम, यहाँ पे दो नंबर में जाके अपन मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और तीन में प्रिंट शो मेंबर है, तीन पे प्रिंट है, चार पे शो है। क्रिएट ऑल मेंबर सबसे पहले अपन क्रिएट कर लेते हैं 5 नंबर से। अब ये पूछ रहा है कि वांट टू क्रिएट कोड, तो यस कर देते हैं। यस राइट और यस का एक ही स्विच है। अभी अपने मेंबर क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, ये 499-500 तक होंगे, ये कोड अपने क्रिएट हो चुके हैं। फिर अपन चलते हैं इसकी F2 की सेटिंग में। F2 के अंदर जो सेटिंग है उसमें रेट चार्ट की सेटिंग है इसकी कंप्लीट। इसमें किस किस तरीके का रेट चार्ट डल सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रेट चार्ट सेटिंग में जाएंगे, 3 नंबर सेलेक्ट रेट चार्ट, एक नंबर और दो नंबर, एक नंबर काउ का है, दो नंबर बफ का है। तो अपन पहले एक नंबर दबा देते हैं। अब देखते हैं अपन इसमें काउ की रेट किस किस तरीके से डल सकती है। तो फैटस नेफ फॉर्मूला इसमें सबसे पहले है, उसके बाद में फैटस नेफ मैनुअल भी डाल सकते हैं, फैट CLR भी डाल सकते हैं, पेन ड्राइव से भी इसमें रेट डलती है, फैट CLR कंप्यूटर से भी, फैट ओनली मैनुअल भी, SM रेट चार्ट, SM1 रेट चार्ट, पेन ड्राइव R चार्ट, पेन ड्राइव रेट चार्ट। तो सबसे पहले ये इसके अंदर फंक्शन है रेट चार्ट के, तो अपन इसको फैटस नेफ फॉर्मूला पे इंटर कर देते हैं। वैसे के वैसे इसमें बफ में है, ये दो नंबर में बफ में है, ये इसकी मिनिमम मैक्सिमम जो रेट चार्ट के अंदर है, रेट चार्ट सेटिंग में अब जाएंगे अपन, तो ये मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ 3 नंबर और 4 नंबर है, जो अपने हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से जो अपनी रेट चार्ट की मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ रहती है वो है, उसी हिसाब से ये इसके अंदर सेटिंग में 3 नंबर दोबारा जाके मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ 4 नंबर पे बफ की है, वो भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर चलते हैं अपन F3 फंक्शन में। इसमें रिपोर्ट का फंक्शन है एक नंबर पे, दो नंबर पे है सेट डेट एंड टाइम, तीन पे है इंपोर्ट, चार पे है एक्सपोर्ट, पांच पे है डिलीट, छह पे है सेटिंग। तो रिपोर्ट जो अपने नॉर्मली, सबसे पहले अपन रिपोर्ट ही समझ लेते हैं। रिपोर्ट के अंदर होती है सबसे पहले शिफ्ट रिपोर्ट, जो कि एक टाइम की रिपोर्ट होती है। जैसे अपन अब लगाएंगे तो आज की डेट के अंदर जैसे अपन इंटर दे देते हैं, ये इवनिंग की है, तो जो अपनी स्लिप होगी वो अपनी स्लिप, जितनी अपन ने पर्ची एक टाइम में कलेक्शन किया है उसकी सारी रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर ही ऊपर तो समिति का नाम, इस बाद उसके मोबाइल नंबर, फिर शिफ्ट रिपोर्ट इसमें लिखा हुआ है, तारीख है, इवनिंग है, फिर कोड नेम, फैट कितनी है, SNF कितनी है, कितना लीटर है और कितना इसका अमाउंट है, टोटल प्रोड्यूसर हमने कितना कलेक्शन, कितने यानी कोडों का कलेक्शन किया है, टोटल कितना लीटर है, टोटल अमाउंट कितना है, एवरेज फैट कितनी है, एवरेज SNF कितनी है। इसी हिसाब से दो नंबर पे मेंबर लेजर है जो कि पर कोड वाइज अपने निकलती है कस्टमर के हिसाब से। यहाँ पे अपन को तारीख निकाल लगानी पड़ती है कि भाई कितनी तारीख से कितनी तारीख तक अपन को निकालनी है।
इसी हिसाब से ये मेंबर लेजर अब 5 दिन की जो अपन ने निकाली है, अभी इसमें कलेक्शन किया हुआ नहीं है, इसलिए बिल्कुल खाली आई है। उसी हिसाब से ये ऑल मेंबर लेजर है 3 नंबर पे, इसमें पूरा हिसाब किताब एक जगह ही शॉर्ट में आ जाता है कि अपन को कितना लेन देन अपन को टोटल कस्टमरों से करना है, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक पेमेंट रजिस्टर उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में ऑल डुप्लीकेट स्लिप, डुप्लीकेट स्लिप किसी भी कस्टमर की अगर कोई स्लिप गुम हो गई हो तो वो भी अपन निकाल सकते हैं, एडिट भी उसको कर सकते हैं। F3 के अंदर अपन दोबारा चलते हैं। रिपोर्ट के अंदर इतना ही फंक्शन होता है, सेट डेट एंड टाइम का है, तो डेट और टाइम अपन यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं कि भाई अपना अगर कोई वार गलत आ रहा है या कुछ हिसाब से है। फिर अपन चलते हैं F4 के अंदर, यहाँ पे ये डेयरी नेम एक नंबर जो समिति का नाम रहता है जो DPO को स्टार्ट करते हैं सामने शो होगा या अपनी पर्ची के ऊपर आता है वो मिल्क एनालाइजर। मिल्क एनालाइजर इसमें कौन कौन सी कंपनी के जुड़ लेते हैं अपन वो भी देख लेते हैं। इसमें लैक्टोस कैन जुड़ सकता है, इको मिल्क अल्ट्रा, इको मिल्क प्रो, EMT, रियली EMT, कशीरा, मास्टर क्लासिक, फैटोमेटिक, यानी बहुत सी कंपनियों की मशीन इसमें जुड़ सकती है। अपन इसको फिर से एक बार लैक्टोस कैन पर ले जाते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर इसमें प्रिंटर और वेट स्केल, वेट स्केल इसमें एक्स्ट्रा भी अपन जोड़ सकते हैं अपन अपने पास अगर RS-232 का है तो, जैसे इसके अंदर कौन कौन से जुड़ सकते हैं जैसे प्रॉम्प्ट का है, इंटरनल है, प्रॉम्प्ट हो गया, रील हो गया, स्मार्ट हो गया, स्मार्ट W हो गया, बहुत सारे हैं जो अपन जुड़ सकते हैं। तो अपन इसको प्रॉम्प्ट पे इंटर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये इसके 4 फंक्शन की हैं जो काम आती हैं इस हिसाब से। अब अपन थोड़ा कलेक्शन करके स्लिप निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर अपन को मैनुअल कलेक्शन करना है तो सबसे पहले अपन को कस्टमर का कोड लगाना है, उसके बाद में इंटर दोगे तो ये अब ऑटोमेटिक के मोड में है। जो यहाँ पे अभी कोई एरो का निशान नहीं आ रहा है, जो यहाँ पर वेट आएगा वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसी हिसाब से जैसे अब अपन फैट मशीन के अंदर फैट लगाएंगे अपन दूध को थोड़ा वाइब्रेट कर लेते हैं। वाइब्रेट करने के बाद मिल्क एनालाइजर के लगाएंगे और इंटर करेंगे। जो अपना प्लेटफॉर्म पे वेट रखा हुआ है वो ऑटोमेटिक, इसमें अभी ये ऑटोमेटिक के मोड पे है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी ऑटोमेटिक अपनी फैट और SNF आ चुकी है। अभी इसी के अंदर हमने थोड़ा रेट फिल्डअप नहीं किया इसलिए रेट नहीं आई है, वरना तो यहाँ रेट और यहाँ टोटल अमाउंट आ जाता है। तो अपन यहाँ पे एंटर मार देते हैं। अब ये ऑटोमेटिक मोड में, अब यहाँ पे अगर आपको ये चेंज करना है यानी कि इसको मैनुअल चेंज करना है तो ये मैनुअल भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी ये पहले ऑटोमेटिक आई थी, अब अपन इसको जैसे 3-6 है तो इसको 3-7 भी कर सकते हैं। अभी अपनी स्लिप बाहर है, ये तो इसका ऑटोमेटिक मोड के अंदर मैंने थोड़ा आपको मैनुअल भी समझा दिया। अब अपन थोड़ा मैनुअली करके देखते हैं। जैसे अपन ने दोबारा वही 5 नंबर का अगर कस्टमर का कोड लगाएंगे तो अब ये ऑटोमेटिक मोड में, क्योंकि कोई एरो का निशान नहीं है। फिर अपन यहाँ पे इंटर देंगे तो यहाँ पे एरो का निशान आ जाएगा। फिर अपन जैसे जो भी अपनी मशीन में फैट आ रही है उसको यहाँ पे फिल्डअप करिए, डाउन से आगे आइए, जो भी यहाँ पे SNF है वो लगा दीजिए, फिर डाउन आइए, फिर जो भी अपना मैनुअल वेट आपको जो भी चेंज करना है वो भर लीजिए। इसमें वैसे बस की रेट हमारी भरी हुई है तो इसलिए आ गई है। तो अब जैसे ही अपन इंटर देंगे स्लिप इसकी बाहर आ जाएगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का DPO है, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो हमसे आप डायरेक्ट ले सकते हैं।
हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अच्छी क्वालिटी का है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। इसकी जो स्लिप आई है मिल कलेक्शन की, उसके अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर समिति का नाम है, उसके बाद समिति के मोबाइल नंबर, कलेक्शन टाइम, टाइप, डेट, शिफ्ट टाइम, फिर पीएम, कोड, काई का दूध है वो, फिर नेम, फैट, एसएनएफ। अगर यहाँ पे अपन ने मेंबर का नाम लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे नाम भी आ जाता, यहाँ फैट, एसएनएफ, वाटर, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, यानी कि सारी चीज़ स्लिप में आ जाती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।